कपूर खानदान के बाद धर्मेंद्र की फैमिली बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली है। कई लोगों को लगता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें दो बेटे सनी और बॉबी देओल हैं, और वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उन्हें दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। अगर आप आज तक यही सोचते थे कि धर्मेंद्र के कुल चार ही बच्चे हैं तो आपकी जानकारी बहुत गलत है। धर्मेंद्र के चार नहीं बल्कि छः बच्चे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, धर्मेंद्र के छः बच्चे हैं। जब गांव से धर्मेंद्र हीरो बनने मुंबई पहुंचे तो कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। उस दौर में धर्मेंद्र सबको यही बताया करते थे कि वो कवारे हैं, जबकि उस वक्त गांव में उनकी पत्नी प्रकाश कौर थीं। हेमा मालिनी पर उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स फिदा था। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों का रिश्ता जन्मने लगा। एक दिन हेमा मालिनी को पता चला कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं। इस बात से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, लेकिन धर्मेंद्र ने कहा कि भले ही वो शादीशुदा हों लेकिन वो दूसरी शादी कर लेंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से दो शादियां करना गैरकानूनी है। इस वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। जब ये बात उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को पता चली तो वो बुरी तरह से टूट गईं। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से वादा किया कि वो कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। धर्मेंद्र ने मुंबई में दो बंगले खरीदे, एक में हेमा मालिनी रहा करती थी और दूसरे में प्रकाश कौर। जब धर्मेंद्र गांव से मुंबई आए तब तक सनी देओल का जन्म हो चुका था। इसके बाद उनकी एक और बेटी अजीता हुई। अजीता के बाद एक और बेटी हुई विजेता, और उसके बाद बॉबी देओल का जन्म हुआ। धर्मेंद्र अपने बेटों को हीरो बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटियों को वो कैमरे के सामने भी नहीं लाए। अजीता और विजेता के बारे में कई साल तक लोगों को पता नहीं चला। ऐसी ही रोक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना पर लगानी चाहिए, लेकिन हेमा मालिनी इसके खिलाफ हो गई। धर्मेंद्र ने अजीता की शादी किरण चौधरी से करवा दी। किरण पेशे से राइटर हैं और उनका कैलिफोर्निया में बिजनेस है। विजेता के नाम से धर्मेंद्र ने अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड खोला। विजेता की शादी किससे हुई या फिर नहीं हुई इसकी आज तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहा जाता है कि वो भी कैलिफोर्निया ही शिफ्ट हो गई हैं। खैर, कई लोगों के लिए धर्मेंद्र की दो और बेटियां होने की खबर चौंका सकती है। क्या आपको भी धर्मेंद्र की इन बेटियों के बारे में पता था? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।